जो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया। जैसे बारिश कर दे सो हे गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिएट करेंगे कुछ इस टाइप का लिरिक्स वीडियो, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। इस टाइप की वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यार अभी के समय इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड में चल रहा है, इंस्टाग्राम रील्स में आप लोग देखे होंगे। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लेना, साथ में चैनल पे मेरे सब्सक्राइब करके ये जो बगल में बेल आइकन स्क्रीन पर ऑल कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फोटो को ऐड कर लेने। तो मेरा जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो इस तरह से आपको ऐड कर लेने। फोटो ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना है, फोटो का जो रेशियो है सबसे पहले आपको यहाँ पे चेंज करना है 9:16 वाले रेशियो में। तो ऊपर में आपको कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले फोटो को इस तरह से आपको ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से माइनस करके फोटो को इस तरह से आपको छोटा कर लेना है सब फोटो को, ठीक है। देख सकते हो मेरा सब फोटो छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कर लेने, करने के बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है। आने के बाद अब क्या करना, आपको अब सॉन्ग को ऐड करना है। तो आपको जो भी सॉन्ग पे इस टाइप का वीडियो को क्रिएट करना है वो सॉन्ग को यहाँ पर ऐड कर। यहाँ पर आपको म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस आइकन में जाना है, माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए एक बार हम सॉन्ग को सुना देता हूँ। देख सकते कुछ इस तरह से मेरा सॉन्ग है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग का जो पहला लिरिक्स है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन आपको इस तरह से घटा लेने, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग का जो सेकंड लिरिक्स है यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फोटो को छोटा करके सेकंड फोटो को आपको ऐड कर लेने कुछ इस तरह से, देन आपको थर्ड फोटो को ऐड कर लेना है। यहाँ से देख सकते हो थर्ड लिरिक्स स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन आपको इस तरह से घटा लेने और थर्ड फोटो को ऐड कर लेने कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो देख सकते हैं पर लास्ट में देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो फोटो है आपको इस तरह से घटा लेने, ओके। देन आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आने, आने के बाद अब क्या करना है, आपको एक ब्रश वाली वीडियो को ऐड कर लेने। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली आप डाउनलोड करके ऐड कर लेने, ओके। तो वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको पीआईपी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वीडियो वाला ऑप्शन जाकर आपको ये 5 सेकंड का ब्रश वाले वीडियो को ऐड कर लेने, फुल स्क्रीन पर करना है और ये जो लेयर है आपको हल्का सा बढ़ा लेने, ओके। बढ़ाने के बाद अब क्या करना है, देख सकते वाइट जैसा आ चुका है। तो ऊपर में आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा आपको स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको क्रोमा वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते ये जो गोल जैसा सर्कल आ चुका है, तो ये गोल जैसा सर्कल ये व्हाइट कलर के ऊपर ही आपको रख लेना है। देख सकते हैं नीचे में स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद स्ट्रेंथ को एकदम 100 कर लेने और आपको शेड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आपको 100 कर लेने। तो देख सकते कुछ इस तरह से मेरा हो जाएगा। होने के बाद अब क्या करना, आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। और ये जो वीडियो है ये ब्रश वाला जो वीडियो है इसका ड्यूरेशन आपको फोटो का ड्यूरेशन तक ही रख लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके डुप्लीकेट कर लेने और डुप्लीकेट करने के बाद इसका जो है वीडियो का ड्यूरेशन आपको सेकंड फोटो का ड्यूरेशन जितना तक है उतना तक आपको कर लेने है। अगेन आपको डुप्लीकेट कर लेने और एकदम लास्ट तक इस तरह से कर लेने। करने के बाद अब क्या करना, आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। एंड आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पेन है। आने के बाद अब क्या करना, फोटो को आपको अब सेट कर लेना। तो देख सकते हो मेरा जो फोटो है सेट नहीं है। तो यहाँ पर आपको कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फोटो को नीचे को इस तरह से लेकर आ जाना है। तो मेरा जो फोटो है यहाँ पे सेट हो जाएगा, देख सकते हैं स्क्रीन पर। देन सेकंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसको भी आपको सेट कर लेना है कुछ इस तरह से, देख सकते हो सेट हो चुका है। थर्ड फोटो देख सकते हैं पहले से सेट है।
तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अब क्या करना है आपको, वीडियो को एकदम आपको फर्स्ट पे आने आने के बाद अब यहाँ पे सॉन्ग का जो लिरिक्स है यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। तो सॉन्ग का लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पे आपको टी वाला ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन, इसके पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। तो यहाँ पे जो भी, ठीक है, जो भी आपको सबसे पहले लिख लेने हैं, देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक करके इसका जो ड्यूरेशन आपको पहला वाला फोटो का ड्यूरेशन जितना तक है उतना तक आपको ये लिरिक्स का ड्यूरेशन को रख लेने हैं, ओके। एंड ये जो है लिरिक्स आपको नीचे में इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेने हैं, यहाँ पे आपको ऐड कर लेने, ठीक है, देख सकते यहाँ पे। और उसके बाद आपको जो है वाला वर्ड है वो आपको यहाँ पे सेकंड बार लिखना है, तो टी प्लस वाला आइकन में जाना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वाला वर्ड है इसका जो है फॉन्ट आपको अलग फॉन्ट को ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको ये सॉल सिग्नेचर वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना है ये है वाला वर्ड में, ठीक है। और इसका कलर आपको यहाँ पे रेड या फिर येलो रख लेने, ठीक है। देन यहाँ पर आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेने, और ये सॉल सिग्नेचर वाला अगर आपको फॉन्ट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऐड कर लेने, और ये जो है वाला वर्ड है आपको इस तरह से बड़ा करके नीचे में यहाँ पर आपको सेट कर लेने इस जगह पर, देख सकते कुछ इस तरह से मेरा हो जाएगा। एंड अब क्या करना है, इसमें एनिमेशन भी ऐड कर लेने हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन में जाना है और ये जो विंडो वाला आइकन मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक करके बहुत सारा एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी एनिमेशन आपको पसंद है वो एनिमेशन को इस तरह से ऐड कर लेने, और टाइम ड्यूरेशन का आपको इस तरह से बढ़ा करके आउट जो एनिमेशन रहेगा वो आउट जो एनिमेशन रहेगा वो आउट वाला एनिमेशन को आपको ऑफ कर लेने कुछ इस तरह से। तो दोनों में हम एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा लेने, तो देख सकते कुछ इस तरह से मेरा क्रिएट हो जाएगा लिरिक्स, देख सकते यहाँ पे सेकंड लिरिक्स स्टार्ट है सब मेरा। तो आपको क्या करना है, लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेने, ऊपर वाला लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है और डुप्लीकेट कर लेने, और यहाँ से स्टार्टिंग है सेकंड लिरिक्स को आपको यहाँ पे एडिट कर लेने सब मेरा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, लिरिक्स के ऊपर एडिट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको लिख लेने सब, और ऊपर वाले लिरिक्स में लिख लेने आपको मेरा कुछ इस तरह से। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सब उसके बाद यहाँ मेरा वाला वर्ड यहाँ से स्टार्टिंग है, और इसका ड्यूरेशन आपको सेकंड वाला जो इमेज का ड्यूरेशन जितना तक है उतना तक आपको रख लेना है कुछ इस तरह से। अगेन आपको इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना है, उसके बाद आपको लिस्ट को इस तरह से एडिट करके लिख लेना तेरे हवाले, उसके बाद टिक वाला ऑप्शन का टिक करके यहाँ पे आपको कर लेना है तेरे हवाले कर दिया, ठीक है, देख सकते कुछ इस तरह से मेरा रेडी हो गया, कर दिया यहाँ से स्टार्टिंग है। तो इसको इसका जो ड्यूरेशन है आपको इस तरह से घटा लेना है और यहाँ पर आपको कर लेना है, तो देख सकते मेरा जो वीडियो है एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए एक बार वीडियो को एकदम आपको प्ले करके आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा जो वीडियो कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करना है वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को सेव करना है, तो ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके फ्रेम रेट है इसको 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सबसे पहले आपको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है नोट वीडियो एप्लीकेशन, आपको इजिली प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम वीडियो को सबसे पहले सेव कर लेते हैं और नोड एप्लीकेशन में लेकर चल जाते हैं। आपको नोड वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, देन आपको न्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे रेड वाला प्लस वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मीडिया वाला ऑप्शन जाकर वीडियो वाला ऑप्शन जाना है और जो वीडियो अभी मैंने सेव किए थे उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख सकते प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। जो भी है,
देख सकते हो मेरा ये वाला वीडियो है, ठीक है। एंड अब क्या करना, यहाँ पे आपको ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन मिलेगा रेड वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। एसेट स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको ग्लो देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हो कुछ इस तरह से ग्लो इफेक्ट आ जाएगा वीडियो में। अगर आपको ये ग्लो इफेक्ट और बढ़ाना है तो आपको ये जो स्क्रैचिंग वाला ऑप्शन में जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ऊपर करते हैं तो ये जो है ग्लो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर आपको कम करना है तो इस तरह से आपको नीचे को इस तरह से कर लेना, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो आपको कम ही रखना है, हल्का सा आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। उतना भी आपको कम नहीं रखना है, आपको हल्का सा बढ़ा लेना है, तो मेरा जो है वीडियो एकदम कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा नीचे में, देख सकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते ये ग्रीन वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप वीडियो को एकदम बना सकते हो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो सब कुछ समझ आ चुका है। सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज यार लाइक भी कर लेना। एंड वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।